दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद संजय सिंह ने एक जनसंपर्क अभियान के तहत यूसुफ सराय मार्केट में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और आम जनता के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पत्र वितरित किया। संजय सिंह के साथ स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती भी उपस्थित थे। उन्होंने मार्केट के दुकानदारों को अरविंद केजरीवाल के पत्र के माध्यम से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पत्र में अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ की गई गिरफ्तारी को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। संजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के प्रति अरविंद केजरीवाल का समर्पण और उनके कामों को रोकने के प्रयास निराशाजनक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का पत्र दिल्ली के लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। आज सोमनाथ भारती जी के क्षेत्र में है, कई दिनों से पदयात्रा चल रही है और सोमनाथ भारती जी के क्षेत्र में हम जनता के बीच जाके केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने का, सहयोग देने का, चुनाव में भारी जीत देने का उनसे अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। उन्होंने इस पत्र में खुलासा किया है कि किस तरह से दिल्ली वालों का काम रोका गया। फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की ये योजनाएँ अगर गलती से बीजेपी आ गई तो बंद कर देगी। इसलिए इस बार 62 नहीं 70 के 70 सीटें केजरीवाल जी को दी। बीजेपी कह रही है 2025 में उसकी सरकार होगी, क्या कहेंगे सर? बीजेपी का दिल्ली में विधायक सोमनाथ भारती ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज ये पदयात्रा मेरे क्षेत्र में चल रही है। बहुत ही उम्दा तरीके से जनता रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि केजरीवाल जी का संदेश संजय सिंह जी आज खुद अपने हाथों जनता के बीच जा करके दे रहे हैं। ये अपने आप में एक अजूबा है कि जनता ने हाथों हाथ उनको लिया है और जो स्कीमें थी केजरीवाल जी की, फ्री की शिक्षा, फ्री का पानी, बच्चों महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए हमारा तीर्थ यात्रा, ये सभी स्कीमें, मुफ्त की दवाइयाँ, मुफ्त का हमारा सब कुछ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज मेरे क्षेत्र के अंदर जनता कह रही है कि केजरीवाल जी इस बार 70 में 70 सीटें जीत। इस पद यात्रा के दौरान सांसद और विधायक ने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।